जिम्बाब्वे के हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया तीसरा वनडे मैच, जहां लगातार तीसरी बार टॉस जीता भारतीय टीम ने और इस बार परिवर्तन के तौर पर किया बल्लेबाजी का फैसला। भारत की शुरुआत ठीक ठाक रही जब धवन ने 40 और केएल राहुल ने 30 रन बनाए। आज की पारी का मुख्य आकर्षण रहे शुभमन गिल, उन्होंने 97 गेंदों में 130 रन की शानदार पारी खेली। वहीं ईशान किशन ने भी 50 रन बनाए। भारत की टीम 289 रन बना पाई अपने 50 ओवर के कोटा में। जवाब में जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही जब काया 6 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद सीन विलियम्स और सिकंदर रजा ने शानदार पारियां खेली। सिकंदर रजा ने जड़ा शतक और बनाए 115 रन। एक बार उनकी और ब्रैड इवांस की पार्टनरशिप जिम्बाब्वे को जीत की तरफ ले जा रही थी, लेकिन तभी आवेश खान ने ब्रैड इवांस का विकेट ले लिया। उसके बाद सिकंदर रजा भी चलते बने और इस तरीके से भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीता 13 रन से। दोस्तों, खेलों की दुनिया से जुड़ी ऐसी टॉप स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।